अलवर में आज एक निजी होटल में सैनी समाज के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सैनी समाज के अध्यक्ष सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें, सैनी समाज महापंचायत 28 तारीख को शहर के कंपनी बाग में आयोजित की जा रही है, जिसमें 11 सूत्री मांग को लेकर जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं पप्पू भाई प्रधान ने बताया कि मुख्य रूप से समाज उत्थान का कार्य है, यहाँ किसी जाति धर्म या पार्टी का विरोध है ना ही कोई प्रदर्शन है। सैनी समाज उत्थान महापंचायत दिनांक 28 तारीख को अलवर में की जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य सरकार से 11 सूत्री मांग समाज करती है, और उस मांग का जिला स्तर से जो कार्यक्रम रखा गया है वो प्रथम कार्यक्रम अलवर में है। हम लोग कंपनी बाग में इकट्ठे होंगे और वहां पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जिलाधीश महोदय के द्वारा हम जो ज्ञापन देंगे वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम देंगे, और उसी कड़ी में आज ये प्रेस वार्ता की गई है। ये मुख्य रूप से केवल समाज उत्थान का कार्यक्रम है, इसमें किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का न विरोध है न समर्थन है। हम केवल सरकार से हमारे नौजवान बच्चों को और हमारे महापुरुषों को सम्मान मिले, नौजवान बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए हमने हमारी एक व्यवस्था की है जो 11 सूत्री मांग। भिंड जिले के मालनपुर हरिराम की कुइया पर भिंड से अहमदाबाद जाने वाली बस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद बस रोककर आनंद फानंद में सवारियों को उतारा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लग गई। बता दें, फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केवीपी भारत। नमस्कार।